बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कीज़। आज हम चैप्टर नंबर 15, बुक टू, इंग्लिश ग्रेड 12 का लास्ट चैप्टर मुस्तफ़ा कमाल, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द एसे मुस्तफ़ा कमाल। सो विल्फर्ड एफ कासल इज़ द आथर ऑफ द एसे मुस्तफ़ा कमाल। क्वेश्चन नंबर टू इज़ दैट वट वॉज द एटीट्यूड ऑफ द टर्किश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एलाइज आफ्टर वर्ल्ड वार वन। सो पाशा एंड ओल्ड लिबरल्स एंड ओल्ड लिबरल्स, ये यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया है, पाशा एंड ओल्ड लिबरल्स, पाशा एंड ओल्ड लिबरल्स वॉन्टेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन कोलेबोरेशन विद द एलाइज। तो ये एटीट्यूड था टर्किश गवर्नमेंट का। क्वेश्चन नंबर थ्री इज दैट वाई वॉज मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू एनाटोलिया। मुस्तफ़ा कमाल वॉज सेंट टू एनाटोलिया टू पुट डाउन द रेबल्स हु वर नॉट ओबेइंग पाशा। पाशा मतलब जो खिलाफत उस्मानिया का जो बादशाह होता था उसको पाशा कहा जाता था। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द टर्किश पैट्रियोट्स टू द इंटेंशन ऑफ द एलाइज टू पार्टीशन ऑफ द ऑटमन एम्पायर। के जब 19वीं सदी में खिलाफत उस्मानिया के को तोड़ने की या उसके टुकड़े करने की बात हुई, तो उसमें जो तुर्की मुहिब्बे वतन थे उनका क्या रवैया था। दे प्लान टू रेज, रेज का मतलब जारी करना है। दे प्लान टू रेज अ वॉर अगेंस्ट द ग्रीक्स थ्रू गुरीलास। दे वॉन्टेड टू बिल्ड अप टू द नेशनल आर्मी एंड टेम्प्रेरी गवर्नमेंट इन एनाटोलिया। तो ये उन्होंने बगावत की थी। क्वेश्चन नंबर फाइव इज दैट राइट अ नोट ऑन मुस्तफा कमाल्स एक्टिविटीज इन एनाटोलिया। मुस्तफा कमाल प्लान टू रेज अ वॉर अगेंस्ट द ग्रीक्स थ्रू गुरीलास। ही वांटेड टू बिल्ड अप द नेशनल आर्मी एंड टेम्प्रेरी गवर्नमेंट इन एनाटोलिया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि वाई डिड महमत आगा जो बादशाह था, वाई डिड महमत आगा ऑर्डर्ड मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू कॉन्स्टेंटिनोपल। कुस्तुनतुनिया जो है वहाँ पे उसने उसको वापस क्यों बुलाया। महमत फेल्ट दैट ही वॉज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट, सो ही ऑर्डर्ड हिम टू कम बैक एट वंस। क्वेश्चन नंबर सेवन इज दैट वट वॉज मुस्तफ़ा कमाल्स रिप्लाई। इन रिप्लाई टू द ऑर्डर ऑफ सुल्तान ऑफ टर्की, मुस्तफ़ा कमाल सेड आई शैल स्टे इन एनाटोलिया अनटिल द नेशन हैज़ वॉन इट्स इंडिपेंडेंस। तो ये उसका यादगार जवाब था। क्वेश्चन नंबर एट इज दैट वट वॉज डिसाइडेड बाय द ग्रैंड टर्किश नेशनल असेंबली एट द एंड ऑफ द वॉर। सो द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की डिसाइडेड बाय द यूनैनिमस वोट टू अबॉलिश द सल्तनत इन तुर्की। तो मुस्तफ़ा कमाल की काविशों से जो सल्तनत थी वो ख़त्म हुई। एंड वाई डिड मुस्तफ़ा सिंपली सिंप्लीफाई द तुर्किश लैंग्वेज, उसने जो लैंग्वेज है उनकी उसको उसने क्यों सिंप्लीफाई किया था। द तुर्किश लैंग्वेज हैड मैनी अरबिक एंड पर्शियन वर्ड्स, इट वॉज डिफिकल्ट टू लर्न। मुस्तफ़ा कमाल सिंप्लीफाइड द तुर्किश लैंग्वेज टू मेक इट सिंपल, ईजी एंड मॉडर्न। तो ये इसका बहुत बड़ा काम है मॉडर्न वर्ल्ड में कि इसने तुर्किश लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया था। क्वेश्चन नंबर टेन इज दैट वट वर मुस्तफ़ा कमाल्स व्यूज अबाउट द वुमेन ऑफ द कंट्री। सो मुस्तफ़ा बिलीव्ड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स। बड़ा इनलाइटेंड आदमी था, विजनरी आदमी था। दे शुड बी एजुकेटेड, दे शुड बी इनकरेज टू टेक पार्ट इन नेशनल प्रोग्रेस। एंड वट वर मुस्तफ़ा कमाल्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमी में उसने क्या रिफॉर्म्स जो है वो लाई। फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स न्यू रोड्स एंड रेलवेज वर कंस्ट्रक्टेड, न्यू फैक्ट्रीज वर ओपन्ड। इसमें फैक्ट्रीज का स्पेलिंग भी मैं ठीक कर देता हूँ। न्यू फैक्ट्रीज वर ओपन्ड, ही इनकरेज हैवी इंडस्ट्री, द बैंकिंग सिस्टम वॉज ऑर्गेनाइज, ही डिड ऑल दिस विदाउट बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड। तो ये इसका बहुत बड़ा काम था। क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट वट वर हिज सोशल रिफॉर्म्स इन द कंट्री। सोशल रिफॉर्म्स उसने क्या की। सो मुस्तफ़ा कमाल फिनिश्ड ओल्ड टाइटल द पीपल यूज टू वियर फेज, नाउ वियरिंग ऑफ अ हैट वॉज कंपल्सरी, द वेल वॉज ऑल्सो अबॉलिश्ड, पर्दा भी उसने खत्म किया, वुमेन कुड गेट अ हायर एजुकेशन। What happened on the 23rd of April 1920? So, 23 April 1920 को the revolutionary Turkish Grand Assembly met and elected Mustafa Kemal as the first president of Turkey. तो उससे पहले खिलाफत थी, तो मुस्तफ़ा कमाल जो था उसको तुर्की का पहला सदर जो था वो मुंतखब किया गया 1920 में, 23 अप्रैल 1920 को। ये डेट आपने याद रखनी है, आपसे MCQs में भी पूछी जा सकती है। Why October 1923 is famous in the history of the world? So the October 29th, 1923 is famous in the history of the world because on that day the Ottoman Empire was wiped from the history and the new Turkish Republic was established. तो ये इसलिए जो ये दिन है 29 अक्टूबर 1923 का, इस दिन खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई थी और उसकी जगह पे जो इस्लामी जमहूरी तुर्किया है ये मार्ज वजूद में आया था। तो आज हमारी बुक टू जो है वो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो चुकी है और मिस्टर चिप्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो चैप्टर बाय चैप्टर मैं जो है वो बना चुका हूँ
और वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं उनको अपलोड कर चुका होऊंगा। तो वहाँ से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। बुक टू तो आपके साथ कंप्लीट हो गई है, मिस्टर चिप्स भी कंप्लीट हो जाएगा। लेटर्स, कुरेक्शन, एप्लीकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने कजन्स को बताएं। ये आपका अपना चैनल है, इसको कामयाब करवाना ये आपका काम है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।